सोमनाथ चटर्जी नहीं रहे, 13 अगस्त यानी आज के रोज सुबह उनका देहांत हो गया। मैं आपको उनकी तीन कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी उनके पिताजी की है जिनका नाम था निर्मल चंद्र चटर्जी। उनकी कहानी क्यों? क्योंकि सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के बड़े नेता 1989 से 2004 तक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के लोकसभा के नेता, उनके पिता हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, सांसद भी रहे थे हुगली से। इन्हीं निर्मल चंद चटर्जी का बेटा कब संघी खेमे से, भगवा खेमे से निकल के लाल खेमे में चला गया, वकील साहब को पता भी नहीं चला। जी, निर्मल चंद भी वकील थे, सोमनाथ भी वकील थे और इनके बेटे भी वकील हैं। सोमनाथ चटर्जी की कहानी शुरू होती है 1971 से, जब ये अपने पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लगातार लड़ते हैं और जीतते रहते हैं, लेकिन 1984 में बड़ा ब्रेक लगता है। कांग्रेस की नई नवेली और बड़ी तेज तर्रार नेता, सूती साड़ी और रबर की चप्पल वाली नेता, तब भी और अब भी। तब कांग्रेस की नेता थी, अब टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने जादवपुर की सीट से सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हरवाया था। ये बड़े उलट फेरों में एक था। जिस तरीके से वाजपेयी के ग्वालियर से चुनाव हारने की चर्चा होती है, ये लगभग वैसा ही था। लेकिन सीपीएम को सोमनाथ दा के की ज़रूरत थी लोकसभा में, और इसलिए 1985 यानी कि अगले साल जैसे ही बोलपुर की सीट खाली होती है, जो सीपीएम का मजबूत गढ़ थी वेस्ट बंगाल में, उनको वहाँ से चुनाव लड़वाया जाता है। वो जीतते हैं और फिर लोकसभा पहुँचते हैं, जहाँ तक 2004 तक पहुँचते रहते हैं। सोमनाथ चटर्जी ही वो व्यक्ति थे जो ज्योति बसु को हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ बार बार पुश कर रहे थे 1996 में प्रधानमंत्री बनने के लिए, यूनाइटेड फ्रंट का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए। और 2004 में जब हरिकिशन सिंह सुरजीत के प्रयासों से सीपीएम पूरा लेफ्ट फ्रंट यूपीए को समर्थन देता है, तब सोमनाथ चटर्जी का नाम फिर से आगे आता है, इस बार स्पीकर के तौर पर। गणेश मावलंकर पहले स्पीकर देश के, और पहले स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर थे यानी कि कार्यकारी, और बाद में उनका चुनाव भी हो गया। हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने पद छोड़ा, फिर हार्ट अटैक के चलते मर गए थे। वैसे ही सोमनाथ चटर्जी दूसरे प्रोटेम स्पीकर थे जो बाद में स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन मावलंकर के साथ समानता यहीं पर खत्म होती है। अगर सोमनाथ चटर्जी ने मावलंकर की तरह एक और काम किया होता तो शायद बाद में उनको अपमान का घूंट कम पीना पड़ता। मावलंकर जैसे ही स्पीकर बने, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि स्पीकर को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बाद के किसी स्पीकर ने, किसी लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया। सोमनाथ चटर्जी बाद में अफसोस करते रहे कि वो भी ऐसा कर देते तो ठीक रहता, क्योंकि जुलाई 2008 में सीपीएम यूपीए से समर्थन वापस लेता है न्यूक्लियर डील के मसले पर, और जब राष्ट्रपति को अपने सांसदों की सूची सौंपता है तो उसमें सोमनाथ चटर्जी का नाम भी होता है, लेकिन वो स्पीकर का पद छोड़ने से इनकार करते हैं, यही कहकर कि ये दलगत राजनीति से ऊपर की चीज़ है। 22 जुलाई को यूपीए को विश्वास मत हासिल होता है और 23 को सीपीएम से, उस पार्टी से जिसे वो दशकों से सींच रहे थे, उन्हें निकाल दिया जाता है। कैसे याद करें सोमनाथ चटर्जी को? एक वकील, एक सज्जन व्यक्ति जिसको लोकसभा में हेडमास्टर कहा जाता था, और जो बारीकी चीज़ों पर भी ध्यान देता था, मसलन लोकसभा की लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कोना बनवाना।